चलो बताओ, स्टार्ट करें लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का फॉर्म क्या था। सही तो बता रहे, होमोजीनियस का जो फॉर्म था ना, इन जनरल ये होता है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है वो इन जनरल होता है। तो इसी में तुम्हें बताया था कि लाइक ये क्या है, इन जनरल फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ एफ एक्स वाई कुछ भी अच्छा फंक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसी में वेरिएबल सेपरेबल मैंने किया था, तो मैंने कहा था वेरिएबल सेपरेबल होगा अगर ये इस फॉर्म का आ जाए, डी वाई डी एक्स बराबर, मान लो कोई ऐसा फंक्शन हो गया, एच एक्स अपॉन मान लो एच वन एक्स अपॉन एच टू, मान लो ऐसा हो गया सपोज, इस अच्छा तरीके से। यही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिग्री का। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का अगर ये ऐसा हो जाए, डी और डी एक्स बराबर, मान लो हम एच ऑफ वाई बाई एक्स आ जाए, है ना, या डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, है ना, दूसरा फॉर्म बताया था कि ऐसा हो डी एक्स अपॉन डी वाई एच ऑफ, है ना, एक्स वाई वाई हो जाए इस तरह। तो ऐसा है। एंड अब बारी है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस मतलब डी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। अगर इस फॉर्म का आ गया तो इसको तुम उधर भेज सकते थे, क्यू एक्स माइनस डी एक्स इंटू वाई। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो मेन क्या है ना, तुम्हें इस फॉर्म या दूसरा फॉर्म भी है, जहां जहां एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो, तो डी एक्स अपॉन डी वाई पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई, इस तरीके से, ठीक है। ओके तो डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स, या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स बराबर क्यू वाई। इसमें होता क्या है, तो इसमें एक वर्ड आता है इंटीग्रेटिंग। मैं तुम्हें सिर्फ सॉल्व करना सिखा देता हूँ, मेथड भी है कैसे आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे इजीली इंटीग्रेबल हो जाए, ये चीज है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, दो फॉर्म है। अगर पहला फॉर्म रहा तो इसमें जो फॉर्मूला होता है उसका होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ठीक है। सर और दूसरे फॉर्म में तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो ये पहला ये दूसरा, तो पहले वाले फॉर्म में ऐसा होगा और दूसरे वाले फॉर्म में ऐसा होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको आई एफ लिखेंगे शॉर्ट में, और इंटीग्रेशन डी वाई, ठीक है। उसके सर बाद तो पहला स्टेप है तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाना, दूसरा स्टेप है जो भी फॉर्म होगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तीसरा स्टेप होगा, ठीक है, तीसरा स्टेप होगा कि या तो ऐसा कर, वन ए वन बी, वन बी मतलब दूसरा फॉर्म, ये चलो स्टेप वन। फिर स्टेप टू, स्टेप थ्री में क्या होगा, पहला फॉर्म दूसरे फॉर्म का, तो तुम्हें सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो पहले फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ शॉर्ट में लिखेंगे इसको, तुम ना म्यूट कर लो, बहुत साउंड आ रहा है, जब बोलना हो तो अनम्यूट करना। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर पी एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, और अगर दूसरे फॉर्म का हुआ तो उस केस में होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
मतलब एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो और कुछ नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तुम्हें पता है ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो तीन स्टेप है, मैं फिर से अलग अलग बता देता हूँ। देखो पहला फॉर्म, सो फर्स्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, पी एक्स मतलब फंक्शन होगा एक्स का ओनली, इंटू वाई क्यू एक्स। सो वाई है ना, एक तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाई है, एक वाई इधर है। और तो इस केस में दूसरा स्टेप होता है, पहले तो फॉर्म मिलाओ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और दूसरा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो उसका फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी एक्स। तीसरा है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये पहले वाले फॉर्म का है, जैसे कोई क्वेश्चन देख के बताओ मुझे, कोई भी क्वेश्चन देखो उसमें 9.6 में और बताओ, चाहे एग्जांपल या एक्सरसाइज, जिसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरा फॉर्म भी मैं लिख भी दूं अगर, तो दूसरे फॉर्म में क्या है कि फॉर्म होगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स बराबर क्यू वाई। एंड यहाँ भी फाइंड करोगे तुम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर पी वाई डी वाई आएगा, और जनरल सॉल्यूशन जो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड डी वाई प्लस सी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन होगा। ये स्टेप है सॉल्व करने की कोई भी एक फॉर्म, और तुम कोई भी एक क्वेश्चन बताओ इस 9.6 एग्जांपल या एक्सरसाइज में सुनने से, बताओ लीनियर फॉर्म वाला। तो पहले तुम इसको कंपेयर कर लो, तो कंपेयर कर लोगे, सो तुम कंपेयर करो ये किस फॉर्म का है, यहाँ पी एक्स की वैल्यू क्या है और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, इसको कंपेयर करो इसके साथ। हाँ, तो पी एक्स का वैल्यू 1 होगा और वन है या माइनस वन है, माइनस वन, यस सर। हम्म, और क्यू एक्स का कॉस एक्स, तो अब क्या है, अब निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, आइए यस सर। भाई e की पावर पी एक्स डी एक्स, मैंने दो बार लिखा है भाई। देखो जब इस फॉर्म का यहाँ पे पहले फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो लाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, फिर सॉल्यूशन निकालना। तो करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन, तुम्हारा क्या है px माइनस वन, माइनस वन का इंटीग्रेटिंग क्या आएगा सर, x माइनस x, सो e की पावर माइनस x। अब लास्ट स्टेप क्या होता है सर, y इनटू e पावर माइनस x इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस x इनटू cos x dx प्लस c। अब बस इंटीग्रेशन रह गया। यस सर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे सर, बाय पार्ट, बाय पार्ट से कर लो इंटीग्रेशन प्लस सी। अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग है, इसका आई लेके करना पड़ता है, तो है ना आई की जो भी वैल्यू इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड का क्या करना है फिर, हो गया उसको आगे भेजना, आगे इसको मैं आई बोल दिया इंटीग्रेशन को अभी, तो आई है e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स dx, बाई पार्ट लगाओ तो फिर आई बराबर समथिंग आएगा, बाद में फिर से माइनस आई हो जाएगा, तो इस मेथड से ऐसा आ जाता है, ऐसा कुछ आएगा e की पावर x cos x माइनस sin x टाइप, ऐसा कुछ आएगा, श्योर नहीं हूं मैं, ऐसा कुछ आएगा बाई पार्ट करने के बाद। अब यहाँ e की पावर माइनस, हाँ तो ये e की पावर x i प्लस c, i का जो भी आंसर आएगा पुट कर देना, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके सर, इंटीग्रेशन तुम्हें अलग से निकालना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ बाई पार्ट लगा के, आई लेट लगा के।
ओके सर, इसको सॉल्व करो एंड देन ये इस तरह से कुछ आ सकता है। यस सर, माइनस में सेम क्वेश्चन बन जाएगा, टू आई तो आई यहाँ से आ गया, तो आई आ गया तो आई यहाँ पुट करो। यस सर, नेक्स्ट बताओ। dy by dx plus dy by dx plus y cot x equals 2x plus x square cot x. Yeah. Yes, sir. Cot x. Cot x. ठीक है, इसको कंपेयर करो उस फॉर्म से। So, px की वैल्यू cot x और qx की वैल्यू क्या है? 2x plus x square cot x. Yes, sir. Okay. अब क्या करोगे? पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e power integration of cot x. हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ px। So, बताओ cot का इंटीग्रेशन क्या होता है? So, log mod sin x. Log of sin x. और e की पावर log sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी? So, sin x. Sin x ना? Yes, sir. तो sin x. Okay? Yes, sir. Okay. तो अब so y into sin x equals integration of sin x into 2x plus x square cot x dx plus c. अच्छा, जनरल सॉल्यूशन। एक मिनट। यस सर, बोलो बोलो, आगा सॉल्यूशन क्या होगा इसका? y in general, sir. Yes, sir. Y into sin x equals integration of sin x into 2x plus x square cot x dx plus c. अब मेन काम इंटीग्रेशन का ही, बाकी तो तुम कर लोगे, है ना? मेन यहाँ इंटीग्रेशन ही है, y into sin x. अब इसको ब्रेक कर लो, so 2x sin x by parts हो जाएगा, है ना? dx. तो इसको खोल लो, sin into cot. Cot क्या होता है? Cos upon sin. Yes, sir. cos of sin कट गया तो square cos x. अब by part लगाओ इसमें plus c हो जाएगा, मतलब c पहले लिख दिया, तुम बाद में लिख सकते हो. तो अभी इंटीग्रेशन आता है ना तुम्हें? Yes, sir. तो मेन अब इंटीग्रेशन by part लगाओ, फिर से by part लगाओ, तो ये करना पड़ेगा. फिर क्या करोगे? y बराबर तो sin को नीचे भेजो, 1 by sin x, जो भी इंटीग्रेट करके आएगा वो लिखो. ओके सर, समझ आ रहा है कैसे करना है? Yes, sir. तो दूसरा फॉर्म बताओ, dx upon dy वाला. सारे dy by dx वाले ही हैं. सारे तो dy by dx वाले हैं. अच्छा, ये एक है. So, y dx minus x plus 2y square. एक मिनट रुक रुक रुक, बाइक देखता हूँ. एक मिनट, मेरा बाइक में रखो क्या? एक मिनट रुक रुक रुक.
एक मिनट हाँ क्या बोल रहे हैं, सॉरी बताओ तीसरा क्वेश्चन. So y dx minus y dx minus ब्रैकेट में x plus 2y square. अच्छा अच्छा dy equal c तक. क्या चाहता है हाँ y dx माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल सी 2y स्क्वायर dy इक्वल सी. ऐसे तुम्हें लग रहा होगा सर कितना ही कर देना मतलब उस टाइप से टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तुम्हें ऐसा लगता है सर? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता हूँ ऐसा कभी फील होता है तुम्हें? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग है मेरे को लेकर सर ऐसे ही वैल्यू नहीं देते ज्यादा ऐसे मतलब ऐसा कुछ लगता है तुम्हें या ठीक मतलब नॉर्मल है? नॉर्मल नॉर्मल है ना मतलब ऐसा नहीं लगता ना तुम्हें कि सर जब चाहे क्लास कैंसिल जब चाहे क्लास रख देते हैं? ओके नहीं सर. अच्छा ठीक मेरा भी ऐसे ही. अच्छा ठीक है तो यहाँ से आप डी वाई डी एक्स निकालिए. सो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसको उधर भेज दो किसी एक टर्म को राइट भेज दो और कुछ ऐसा आएगा वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर. अब देखो प्रॉब्लम यहाँ ये हो गया कि डिनोमिनेटर में दो टर्म है और न्यूमरेटर में एक टर्म है तो ठीक है तो ये होमोजेनियस वाले से सॉल्व होगा ना? नहीं होमोजेनियस से नहीं. होमोजेनियस पता कब? इसकी डिग्री क्या है? सो वन. और इसकी डिग्री क्या है? सो टू. फिर यस सर नहीं होगा तो so y upon x plus 2y square ना इसको उल्टा कर तो होमोजेनियस में लग रहा है? नहीं सर नहीं होमोजेनियस है नहीं नहीं क्योंकि डिग्री 2 है. होमोजेनियस क्या डिग्री एक टर्म में सेम सेम डिग्री रहेगा तो होमोजेनियस होगा. न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री सेम रहेगा. यहां तो डिनोमिनेटर में एक टर्म की डिग्री 1 एक की 2 है तो डिग्री होमोजेनियस ही नहीं है. तो यहां तुम ऐसा करो उल्टा कर दो dx upon dy कर दो. अब क्या होगा है ऐसा हो गया? Yes, sir. अब सेपरेट कर लो x अपॉन y प्लस 2y है ना? Yes, sir. अरे हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है. सो dx अपॉन dy माइनस 1 बाई y इंटू x इज इक्वल टू 2y. तो अब ये फॉर्म में देख रहे तुम्हें किस फॉर्म में आ गया dx अपॉन dy प्लस py into x is equal to qy है ना? Yes sir. तो integrating factor क्या होगा? So the e power integration of 1 by y. E की power integration of 1 by minus 1 by y. E की power integration of minus 1 by y dy. Yes, sir. E की power minus y ln y. क्या answer आएगा इसका? So 1 by y. है? नहीं नहीं माइनस होगा पावर में जाएगा. सिंपलीफाई करो क्या आएगा 1/y. सर 1/y तो क्योंकि वो माइनस वन ऊपर गया था एल एन वाई के ऊपर माइनस वन और लॉग ही कट गया तो इस तरीके से. ओके अब क्या होगा कि क्या होगा अब सॉल्यूशन लिखो y into 1 by y equals नहीं नहीं ये दूसरे फॉर्म का है. फॉर्म ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें कि dx upon dy वाला है तो एक y की जगह x हो जाएगा. क्या होगा x into 1 by y equals x integrating factor फिर जो qy था into integrating factor dy y का function आएगा ना integrating factor इसीलिए तो x into 1 by y q कितना था so 1 by 2y into 1 by y yes, तो
ये आ गया x अपॉन y बराबर टू वाई, क्योंकि वाई वाई कट गया तो टू का इंटीग्रेशन है ना, ये आ गया ना, तो x बराबर टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई, तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हो गया पर्टिकुलर पूछ रहा है इसमें या जनरल पूछ रहा था? जनरली पूछ रहा। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया ना, मतलब अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम कर लोगे, लाइक मैं दो टाइप क्वेश्चन करा दिया था, एग्जांपल एक्सरसाइज 9.6, फिर एग्जांपल एक्सरसाइज मिसलेनियस। अब मिसलेनियस अगर तुमने ट्राई किया है तो तुम डाउट पूछ सकते हो अभी। नहीं सर, उतना तो हुआ नहीं है। तो करो, कल तुम ये दोनों कोशिश करो फिनिश करने का, कल शाम तक। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा बैचेस का ना, मैं जामुन का बैच लेता हूँ, अभी चार बैचेस हैं, तो थोड़ा उसका टाइम ना, कभी छह बैचेस 6 to 8, दूसरा बैच 9 to 11, बीच में आज लंच सॉरी डिनर करने चला गया मैं, बाकी हर रोज मैं स्किप कर देता हूँ डिनर मोस्टली, तो आज इसलिए आपका क्लास हुआ। कोई बात नहीं, कभी भी हो जाएगा ना। तो मेन कंटेंट है तुम्हें सीखना है ना, मेन तुम्हें सीखना है, और हम कौन से धीरे बच्चों की अनकम्फर्टेबल होगा ना। ओके सर, ठीक है, तो आपका होमवर्क है एग्जाम्पल एक साइज 9.6, एग्जाम्पल एक साइज मिसलेनियस, इसको सॉल्व करके भेजो मुझे। तो ये चैप्टर थियोरेटिकली खत्म हो गया, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगा मेंस का भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा मेंस से मुझे भी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, थोड़ा मुझे भी दिक्कत होता है मेंस एडवांस में, बट स्टिल हम जितना हो सकते हैं उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंस ट्राई कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है एटलीस्ट, लेकिन ये बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, लाइक जो इस लेवल तक के क्वेश्चन है उसको कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो, कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं, बाकी अब प्रॉब्लम लेवल तो कोई लिमिट नहीं है, कितना ही बढ़ाया जा सकता है, बट वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो करो एग्जांपल ऐसा 9.6 मिसलेनियस, मेंस एडवांस, मेंस का कर लो, एडवांस का क्या, मेंस का डिफरेंशियल इक्वेशन ट्राई कर लो, फिर जो होगा डिस्कस करते हैं कल। ओके ओके सर, तो आज इतना ही रखना है। हाँ यस सर, चलो ठीक है फिर, गुड नाइट आज के लिए। गुड नाइट सर।